हाय फ्रेंड, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज इस सेशन में हम लोग जो बात करने हैं वो किससे रिलेटेड है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड है। एक कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? फिक्स कैपिटल मेथड से। फिक्स कैपिटल मेथड की कंडीशन में क्या होती है कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो फिक्स कैपिटल होता क्या है? फिक्स कैपिटल क्या चीज है कि जब भी कोई पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी कैपिटल केवल फिक्स रहती है। तब की कंडीशन में उसमें केवल चेंजिंग कब आती है? जब कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो या किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया हो कैपिटल से। ठीक, इसमें दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक को कहते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट। अब आइए देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में आती क्या क्या चीजें हैं और करंट अकाउंट में होती क्या क्या चीजें हैं। तो पहला क्या है कैपिटल अकाउंट, जो हम लोगों ने पहले बना के रखे हुए हैं। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर एक्स वाई, एक एग्जांपल लिया हुआ एक्स एंड वाई पार्टनर है, फिर पर्टिकुलर, फिर एक्स एंड वाई। ये है आपका डेबिट साइड, ठीक, और वो क्या है क्रेडिट साइड। ठीक, अब देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड तो है, जब भी पार्टनर्स की जब भी बैलेंस आती है वो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे आता है? क्रेडिट में। इसलिए क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, और जब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका इनकम है, उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आती है? अगर बिजनेस पहले से चल रहा होगा, सपोज कीजिए कोई एक्स वाई जेड बिजनेस है, एक्स वाई पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, सपोज करते हैं 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ये पहले से चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर कैपिटल रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक, इसके आगे और कुछ नहीं दिया हुआ, तब भी कंडीशन में क्या हो गया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, हल्की सी, अगर मान लीजिए कहता है कि एक्स एंड वाई द पार्टनर देयर कैपिटल रुपीज 4 लाख एंड 5 लाख, दे स्टार्टेड बिजनेस सेम ईयर, यानी करंट ईयर में जिस ईयर में दिया हो उसी ईयर से अगर स्टार्ट कर रहा है, तब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह पे क्या जाएगा? बाय बैंक या कैश। ठीक है, अगर बिजनेस उसी ईयर में स्टार्ट हो रहा है, अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है कि उसी ईयर में बिजनेस स्टार्ट हो रही है, तब क्या हो जाएगी? बाय बैंक या कैश होगा। ठीक है, अब क्या होती है? अब कैपिटल में मैंने बताया कि कब चेंज होती है, जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 4 मंथ या 6 मंथ के बाद किसी पार्टनर ने या 8 मंथ के बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया हुआ है, तब कंडीशन में बाय बैंक या कैश। किस कंडीशन में आती है? एडिशनल कैपिटल में। अब अगर उसने कैपिटल विड्रॉ किया हुआ है, कैपिटल से विड्रॉ, फॉर पर्सनल यूज करने नहीं, कैपिटल से अगर विड्रॉ किया हुआ है, तब की कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे? टू बैंक या कैश। कब होती है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर विड्रॉ कर रहा है कैपिटल से, तब की कंडीशन में क्या आएगा? टू बैंक या कैश और टू बैलेंस कैरी डाउन। जो रिमेनिंग बैलेंस आती है क्रेडिट साइड का ऐड किया, डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो क्या आ गया? बैलेंस कैरी डाउन। ये तो था कैपिटल अकाउंट का। फिर से देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आती है? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आती है? जब बिजनेस पहले से कंटिन्यूटी में चल रहा हो। अगर सेम ईयर में कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बाय बैंक ब्रॉट डाउन की जगह पर क्या जाएगा यहां पे? बाय बैंक या कैश। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है कैपिटल में, तो बाय बैंक या कैश। ठीक है, अगर उसने कैपिटल से विड्रॉ किया हुआ, जब अगर कैपिटल से विड्रॉ किया है, तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा? बैंक या कैश, टू बैंक या कैश और टू फिर बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट साइड कैश किया और डेबिट साइड में क्या आ गया? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। लेकिन अब इसके बाद मैंने कहा कि दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है? करंट अकाउंट में अदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी पार्टनर को मिल रहे हैं, वो सब कहां पे आएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब इसमें भी बैलेंसिंग होती है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तब की कंडीशन में क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहां पे आएगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कोई इंडिकेट नहीं किया कि डेबिट है या क्रेडिट, तो हमेशा क्या लिया जाएगा? क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर जब भी डेबिट दिया रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन में इंडिकेट करेगा और उसके बगल में डेबिट लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा और भी हो सकता है, ऐसे बैलेंस शीट में मिले, अगर बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में मिलता है तो एसेट की बैलेंस हमेशा क्या होती है? डेबिट बैलेंस, इसलिए तब क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर लायबिलिटी में है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये तो थी बैलेंस ब्रेकडाउन से रिलेटेड। अब क्या क्या आती है, अगर किसी भी एक कंसेप्ट हमेशा रखने की जरूरत है कि अगर किसी भी पार्टनर को किसी भी ट्रांजेक्शन से गेन हो रहा है तो हमेशा उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी इंक्रीज होगा तो कहां पे आएगा, वो क्रेडिट में। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से उसकी कैपिटल को डिक्रीज हो रहा तो कहां पे आएगा, वो डेबिट में। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं जिससे पार्टनर में इंक्रीज हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है, तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है। एज ए पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो पार्टनर से कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है, तो कहां पे आएगा, खेत में। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर की कमीशन भी कहां पे आएगी, हमेशा वो खेत में। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो भी कहां पे आएगा, खेत में। अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग कहते हैं, अगर विड्रॉ किया हुआ है तो टू ड्रॉइंग यानी उसकी कैपिटल क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है, तो कहां पे आएगा, डेबिट में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है तो भी उसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अभी कहां पे आएगी, क्रेडिट में। अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट मिल रहा है तभी कंडीशन में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। किस केसेस में आएगा ये, प्रॉफिट के। अगर लॉस हो रहा है तब कंडीशन में टू प्रॉफिट एंड लॉस, किस कंडीशन में आएगा, लॉस में। सेम अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है तो डेबिट साइड में क्या जाएगी, यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में जो फिक्स कैपिटल की मेथड के बेसिस चलती है उसमें क्या क्या मेंटेन करते हैं, फिर से हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। हम इसको बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक में आपको कैपिटल अकाउंट मिलेंगे, तो इसके लिए बहुत जानना जरूरी है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा मेंटेन करते हैं क्या, करंट अकाउंट। ओके, अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।